स्टूडेंट्स डिसआर्टिकुलेशन के लिए क्या किया जाता है जो ये फिमोरल हेड है जो कि एस्टेब्लम में होता है इसको थोड़ा इसको बाहर निकाला जाता है एस्टेबलम से इसको रिप्लेस किया जाता है इसको अपनी पोजीशन से बाहर निकाला जाता है दैट मींस हम फिमोरल हेड को बाहर निकालते हैं एस्टब्लम से तो कैसे बाहर निकालते हैं हम एक्सटर्नली लेग uh, जो है इसको रोटेट करते हैं रोटेट थोड़ा सा फोर्स लगा के रोटेट करते हैं ताकि जो ये फिमोरल हेड है ये बाहर आए किससे फ्रॉम द एस्टब्लम आफ्टर द डिसआर्टिकुलेशन ऑफ द

व वई यूज़ आर्टिफिशल प्रोसेस वई यूज़ आर्टिफिशल प्रोसेस विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीथिलीन एंड द स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक कापशेप कापशेप जैसा स्ट्रक्चर होता है और इस जगह हम इंस्टेड ऑफ दैट वई यूज़ द आर्टिफिशल प्रोसेस तो इस आर्टिफिशल प्रोसेस को फ़िट किया जाता है एस्टब्लम प्लेस जहाँ पर एस्टब्लम था जहाँ पे उसकी प्लेस थी इंस्टेड ऑफ़ दैट द आर्टिफिशल प्रोसेस इज टू बी फिटेड बाई यूजिंग द बोन सीमेंट बोन सीमेंट से इसको फिट किया जाता है उसके बाद अब रही बात फिमोरल हेड की फिमोरल हेड को पहले एक्साइज किया जाता है उसके बाद फेमोरल हेड की जगह हम रिप्लेस करते हैं मेटेलिक प्रोसेस इस शेप का होता है मेटेलिक प्रोसेस राइट साइड भी अवेलेबल होता है लेफ्ट भी होता है डिपेंड्स अपान द ज्वाइंट जिट राइट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट उसके बाद मेटेलिक प्रोसेस को कैसे हम लगाते हैं कैसे यूज़ करते हैं जो इसका बिल्कुल ये मेटेलिक प्रोसेस जो है इसको फिट किया जाता है इसके स्टेम को फिट किया जाता है इंसर्ट किया जाता है इंटू द मेडलरी कैनाल ऑफ द फीमर बिल्कुल मेडलरी केनाल जो है फ़ीमर का जो मेडलरी केनाल है उसमें इसके स्टेम को फिट किया जाता है देट मीन्स आफ्टर द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ्टर द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बहुत प्रोसेस एस्टाबलम एज वेल एज फिमोरल हैड द जॉइंट इज़ नाउ आर्टुकुलेटड अब जो अब हमारा फिमोरल हैड भी ठीक हो गया पेशेंट का या एस्टब्लम जो है वो भी रिप्लेस हो गया दोनों चीज़ें जब रिप्लेस हो गई अब हम फिर से जॉइंट को आर्टकुलेट करेंगे टू कंटिन्यू टू रेस्टोर कॉन्टीन्यूटी टू रेस्टोर कॉन्टीन्यूटी दैट मीन्स हम फिर से आप जॉइंट को क्या करेंगे इसको हम आर्टोकुलेट करेंगे बिल्कुल हम फिमोरल हैड को अपनी जगह अपनी पोजिशन एस्टबलम में फिक्स करके रखेंगे उसके बाद जब हमने आर्टिकुलेशन की फिर से जॉइंट को आर्टिकुलेट किया उसके बाद इंसीजन को क्लोज़ किया जाता है थोड़ा सा हीमोस्टेसिस देखा जाता है मेंटेन किया जाता है उसके बाद इंसीजन क्लोज होता है फॉलोड बाय द एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग